कोविड महामारी के दौरान कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई, कई लोगों की नौकरियां गईं, कई लोगों ने मुश्किलों से नौकरी बचाई। सबसे बुरा समय रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों ने देखा। ज़्यादातर के लिए कमाई के जरिए बंद हो गए, लेकिन इसी दौरान ऐसे लोग भी दिखे जिन्होंने अपने सामर्थ्य से आगे जाकर लोगों की मदद की। जी हाँ, आपको बता दें, गुजरात से ही एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहाँ एक 14 साल के लड़के की मदद के लिए पूरा शहर साथ आ गया। कुछ समय पहले गुजरात के अहमदाबाद से एक 14 साल के लड़के का वीडियो वायरल हुआ। ये बच्चा घर चलाने के लिए दही कचौड़ी का स्टॉल चला रहा था। वीडियो के वायरल होते ही शहर के मणिनगर रेलवे स्टेशन के पास लोगों की भीड़ लग गई। ये वो लोग थे जो बच्चों की मदद के लिए आए थे। वहाँ पहुँचे लोग एक तरफ से दो काम कर रहे थे, एक तो बढ़िया दही कचौड़ी का आनंद और दूसरा बच्चे की मदद की जा रही थी। आपको बता दें कि बच्चे की वीडियो को सबसे पहले ट्विटर पर शेयर किया गया और वहां पर लिखा गया, हो सके तो इस बच्चे की मदद करें। वो 10 रुपए में दही कचौड़ी बेच रहा है, उसका मकसद अपने परिवार की मदद करना है। ऐसे बच्चे पर गर्व है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मदद करें। लोकेशन मणिनगर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद। फिर उसके बाद बिना किसी के आगे हाथ फैलाए परिवार को संभाल रही इस बच्चे की कहानी लोगों तक पहुंची और थोड़े ही दिनों में उसे ठेले के पास भीड़ जमा हो गई। ट्विटर पर जहां लोगों ने बच्चों की सोच और उसकी हिम्मत की तारीफ की, वहीं लोगों की भी हौसला अफजाई की। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।